आज लड़कियों की जीत है। मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज लड़कियों औरतों औरत जात का नाम बहुत सुनहरे अल्फाजों में लिखा है। मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था बताया था और आप लोगों ने अच्छी तरह उस पर अमल किया है। मैं आप लोगों को बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ। आपको नेशनल खेलना है, अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है मेरे बच्चों। आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी गेम पर, अपनी एजुकेशन पर। मैं आप लोगों को स्टार की सूरत में देखना चाहती हूँ। तो दूसरी टीम भी जल्दी रेडी हो जाएगी। 5 मिनट मैडम से अगर वो कहे तो 5 मिनट का ब्रेक हम अगर दे देंगे बच्चों को, सर तो 5 मिनट का हम ब्रेक। आपने अपनी तकरीर में भी कहा कि स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस, हमारे आज के मेहमान खुसूसी जो है इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इन्हें फेलिसिटेट किया जा रहा है, इज्जत अफजाई की जा रही है कि आपने यहाँ तो समथिंग टू दिस यंग आज की रनर अप टीम रही है नरपुरा आने वाले। अभी तक पहले मैच जीत जीत के आई है लेकिन आज उन्हें भी पता चला है कि जोरदार तालियां स्माइल होनी चाहिए और बार बार टीम है बहुत कम दिलचस्पी ले रही हूँ तो कितना जरूरी है इनको स्पोर्ट्स बनाना। देखिए आज के दिन पर मैं ये सब बोलूंगी कि क्योंकि ये लड़कियां जो है इन्होंने तो सबसे पहले कमाल किया आज, क्योंकि आज से पहले एक महीना हमने ये स्टार्ट किया था टूर्नामेंट, तो उस वक्त भी बच्चियों ने जब मैंने इनका इंटरेस्ट देखा, जब मैंने इनके खेल देखे गुण देखे तो मुझे लगा कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसे बच्चों को ऐसी लड़कियों को सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है कि लड़कियां काफ़ी आगे निकल जाएगी। एक तरफ से हम कहते हैं लड़कियों को आगे बढ़ने दो लेकिन दूसरी तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर मुझे लगता है वुमेन्स डे पर ये मेरा गिफ्ट है यहाँ की लड़कियों, यहाँ की बच्चियों के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटियों को थोड़ा सा आज़ादी दे, थोड़ा सा खेलने कूदने दे, थोड़ा सा उड़ने दे, क्योंकि उनको आसमान में उड़ान भरनी है। अगर बच्चियों को बांधोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह के लिए बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दो, बच्चों को खेलने कूदने दो, ताकि वो तरह तरह की जो अभी यहाँ पर ड्रग्स है, जो बाकी यहाँ पर अफरा तफरी है, उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर वो गेम्स में जाएंगे तो गेम्स उनका ये भी सपोर्ट है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन में उनका मन लगेगा, क्योंकि जब बच्चा थोड़ी देर भी खेलता है तो उसको मन लगता है फिर कुछ भी करने को। एक ही तरह से आप बच्चों को पढ़ाई पर छोड़ोगे, किसी और काम पर छोड़ोगे तो मुझे नहीं लगता उनका दिल लगता है। तो थोड़ा सा चेंज बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, ये चेंज ज़रूरी है और ख़ासकर ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए जो इतनी मेहनती है, जो इतना अच्छा आज आपने खुद देखा इन्होंने कितना अच्छा खेला है ना। यहाँ पर सिर्फ सिक्सर ही हमें नज़र आए, छक्के नज़र आए, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उन्होंने बड़े बड़े कारनामे आज किए। तो इन बच्चियों को आगे सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारे यूथ को भी आगे आना चाहिए। ऐसी नज़र मत रखो ये लड़की है, ये लड़की कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियां हमारी रोल मॉडल है। तो इनको बस मौका दो आगे बढ़ने का।